टॉप पे हमारी टीम कौन सी है? यूमर रिएक्शन और सिनर्जी यहाँ पे आ चुके हैं सेकंड में, दोनों के पास है ग्रीन मार्क बिकॉज टीम सेम एंटिटी आ चुके हैं थर्ड प्लेस पे, बट फिलहाल डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। हालांकि टीम एंटिटी टीएसएम एंटिटी जो है वो दो मैचेस कम खेली है उन दोनों के बदौलत, बट दो चिकन डिनर निकालने वाली यहाँ पे एक ही टीम है, दैट इज यूमर रिएक्शन 137 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पे यहाँ पे टीम सिनर्जी 1, 2, 3 और यहाँ पे है, अगर आप देखो एनटीटी की बात करो 121 दो पॉइंट का डिफरेंस सिर्फ, और फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे आईएनटी विदाउट एनी चिकन डिनर, वो बोल रहे हम प्लेसमेंट पॉइंट्स और किल भी एवरेज निकाल के 111 पॉइंट्स के साथ फोर्थ पे है। फिफ्थ पे ऑरेंज रॉक, एक बहुत बड़ी जंप मैं कहूंगा 10 मैचेस के बाद 105, एक दिन का सेटबैक, दूसरे मैच में वो सीख के आए कि उन लोगों ने क्या गलतियां करी थी और 105 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कंसीड करे। और यहाँ पे फिनाटी की बात करें सिक्स प्लेस पे 88 पॉइंट्स, ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, बट वो ये कि इससे और अच्छा परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखते हैं चारों प्लेयर्स। पावर हाउस का देखते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस, जिस तरीके से कल का दिन इनका एंड हुआ था मेरे को लग रहा था कि आज वापस से उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, बट वही है कि फ्रेश माइंड के साथ आए एंड दे केम विद अ बैंग एज वेल। यहाँ पे सिर्फ 6 मैचेस का रहा, 7th प्लेस पे है, 80 पॉइंट कलेक्ट करके बैठे हुए, 28 पॉइंट है, एक चिकन डिनर, गॉड लाइक की हम बात करें एक चिकन डिनर इनका भी है, बट यहाँ पे ये लोग भी सिर्फ 6 मैचेस के साथ 72 पॉइंट्स लेके बैठे हुए हैं। सो गुड फॉर गॉड लाइक एंड पावर हाउस, मेगा स्टार्स को यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है बिकॉज 10 मैचेस के बाद सिर्फ 61 पॉइंट है। ये टीम कल देखते हैं खेलेगी कि नहीं, बट इनको सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से कि एक मैच अच्छा खेलते फिर बाद में दो मैच बुरे हो जाते। सो अच्छा पोटेंशियल है मेगा स्टार्स में, आई थिंक दे कैन इम्प्रूव डे बाय डे। बट नीचे देखते हैं टीम तमिलास, ये टीम पोटेंशियल बहुत है और 6 मैचेस खेले, दे कैन गो अप। एग्जैक्ट यहाँ पे ग्यारहवीं पोजिशन पे आती है जीएम, इनके पास 10 मैच पूरे हो चुके हैं और 59 पॉइंट्स है। 59 पॉइंट्स मतलब जो एवरेज है वो मेरे हिसाब से 5.9 का चल रहा है, मेरे हिसाब से एक अच्छी बात नहीं है ये। इनको कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी तभी जाकर एक अच्छा स्कोर कार्ड पे ये पोजीशन हासिल कर पाएंगे। सो कल का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है इनके लिए भी। टीम 12 पोजीशन पे आती है हमारी टीम एक्सट्रीम, कल की अगर कल की बात करें उन्होंने बस एक ही गेम खेला था, चिकन डिनर निकाला था, बट आज इन्होंने ज्यादा बढ़ोतरी नहीं ली है बिकॉज कल इन्होंने 27 अंक हासिल कर लिए थे, आज के 5 गेम में ये मात्र 30 पॉइंट हासिल कर पाए हैं। इसका मतलब आज के पूरे दिन का एवरेज लगाए तो 6 अंक कमाए हर गेम में, मेरे हिसाब से वो इनके नाम के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि जो आपने ट्रेलर ऐसा दिखाया आपने धमाका कर दिया और आपकी जो मेन मूवी आई है वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। सो आई वॉन्ट कि कल एक नई शुरुआत करें, एक नया फ्रेश दिमाग लेकर आए और अच्छा खेल के दिखाए। सेल्स ने भी चिकन डिनर निकाला बट आखिरी गेम के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी 2 गेम बची है इनकी, 8 गेम में 57 पॉइंट मैं मान सकता हूँ कि आप 8 सेंस 56 लगा लीजिए, तो कोशिश है अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ये वो टीम है जिसे ग्रुप स्टेजेस से लेकर सेमी फाइनल तक काफ़ी अच्छा खेला है, तो उम्मीद है अभी भी बरकरार है। सोल ने कल चिकन डिनर निकाला था सैनहॉक में, उसके बाद परफॉर्मेंस बिल्कुल डिप्लीट ही होती गई है। दे हैव टू फाइंड सम वे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज उनके पास 5 प्लेयर है, सब इन करे सब आउट करे कुछ भी करे, बिकॉज टीम कम बहुत सारे फैंस हैं जो चाहेंगे सोल अच्छा खेलेगी।